नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चिराग है। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी है। बहुत ही बढ़िया शहर है ये, लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। परंतु मैं जब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हुए कई बातें देखता हूँ तो मेरे ही मन में कई बातें उमड़ती हैं। उन बातों को, उन वाक्या को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस मन की बात प्रोग्राम में। सबसे पहला वाक्य, रिक्शे वाले भाई जो इतनी मेहनत करते हैं और अपने रिक्शे पे ही उन्हें सोना पड़ता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हम लोग अपने घरों में ही सर्दियों में रजाई लेते हैं तो उसी में ही हमें इतनी दिक्कत होती है, तो इन रिक्शे वालों को कितनी दिक्कत होती होगी। अगर इन रिक्शे वालों के लिए कोई इंतज़ाम हो सके, सरकार या हम सभी लोग मिलकर इनके लिए कुछ कर सके, तो इनको कितनी सुविधा हो सकती है। अब मैं आपको दूसरा वाक्य बताना चाहूँगा। कई प्रकार के बाज़ार लगते हैं, सोम बाज़ार, मंगल बाज़ार, बुध बाज़ार, हर दिन कोई ना कोई बाज़ार लगता है। वहाँ पे कई तरह की सब्ज़ियाँ मिलती हैं। अगर एक आलू की बात करें तो 10 रुपये का भी आलू होता है, 20 रुपये का भी आलू होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? 10 रुपये का आलू सड़ रहा होता है, बेचने वाला उसे सोच रहा होता है कि ये किसी तरह बिक जाए। अगर इन सभी बातों के ऊपर कोई चेकअप हो सके तो खाने वाला जो ग्राहक है उसके लिए कितनी सुविधा होगी, उसको हेल्दी खाना मिलेगा। इसके ऊपर चेक हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब तीसरा वाक्य मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ट्रेन बहुत ही बढ़िया थी, उसके अंदर कंबल, खाना, बिस्तरा सभी बहुत ही बढ़िया थे, साफ़ सफाई भी बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन जब मैं रात को सोने के बाद सुबह उठा तो मैंने देखा कि सफाई कर्मचारी मेरे सामने रुपए मांगने आया। मैंने उसको कुछ रुपए दे दिए, 50 रुपए। फिर कुछ देर बाद खाना देने वाला आया, मेरे को उसको भी रुपए देने पड़े। उसने बोला कि मैंने आपको खाना सर्व किया है। फिर जिसने कंबल दिया था वो भी आया, उसको भी रुपए दिए मैंने। फिर मैंने सोचा कि ये सही नहीं है, इनको तो तनख्वाह मिलती होगी, ये रुपए क्यों मांग रहे हैं, यह सही नहीं है, इलीगल है। ट्रेन के अंदर फॉरेनर्स भी सफ़र करते हैं, वो क्या सोचते होंगे, उनके सामने कैसी छवि उपस्थित होती होगी, इसके ऊपर चेक होना चाहिए। अब मैं आपको चौथा वाक्य बताता हूँ। बाज़ारों में सामान खरीदने जाते हैं हम सभी लोग, तो हम सिर्फ वही सामान खरीदें जो कि मित्र देशों का है। जो दुश्मन देश सामान बेचते हैं वो सामान ना खरीदें। सस्ते सामान के चक्कर में हम उन देशों की कहीं मदद तो नहीं कर रहे जो दुश्मन देश हैं। हम कुछ रुपए ज़्यादा देकर मित्र देशों का ही सामान खरीदें, हम स्टैंडर्ड सामान ही खरीदें जो कि अच्छा है। असली सामान, सही सामान खरीदें, नकली सामान ना खरीदें। इन सब बातों का हम ख्याल रखें तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, अगले कार्यक्रम में मैं इसी तरह की अपनी मन की बातें, इसी तरह के अपने विचार मैं आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।